हेलो फिश कीपर्स, सभी है जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जितने भी फिश को पालने वाले और रखने वाले मेरे सभी ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर्स, सबसे पहले उनको मैं हेलो कहना चाहूँगा, क्योंकि उनकी वजह से आप लोग और सभी लोगों की हावी इंक्रीज़ हो रही है और सभी लोग एक नेचर की से लगाव रखते हो और नेचर से लव करते हो, और आप लोगों की वजह से ही नेचर इतना ब्यूटीफुल हुआ है और रहेगा, क्योंकि हम सभी लोग नेचर से प्यार करते हैं। क्योंकि जो लोग फिश पालते हैं और नेचर फिश और नेचुरली फिश से लव करते हैं, वो लोग हर किसी नेचर से प्यार करते हैं, चाहे वो प्लांट्स हों या कोई भी पेट हो, डॉग्स हों, किसी भी तरह के एनिमल्स हों, वो सभी से प्यार करते हैं, मुझे ये पता है। इसके लिए मैं सबको थैंक्स कहना चाहूँगा कि वो मेरे इतने प्यारे और ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर्स भी हैं। तो सबसे पहले आज का जो वीडियो है, वो लोग वैसे भी आप लोग टाइटल और थंबनेल से जान जाते हैं कि वो स्पेशली नियॉन टेट्रा फिश के ऊपर है। तो इस फिश के बारे में पूरी जानकारी, वैसे सभी फिश बहुत ही ब्यूटीफुल होती हैं और सब फिश की अपनी अलग अलग खूबी और खासियत होती है। तो आज जो फिश की बात कर रहे हैं अपन लोग, इस फिश के बारे में कुछ आप लोगों को मैं कुछ खास बातें और स्पेशली वो चीज़ें बताऊँगा जो मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं काफ़ी दिनों से एक मछली का पालने वाला भी शौकीन हूँ, एक्वेरियम हॉबिस्ट भी हूँ और एक सेलर भी हूँ। तो इसके हिसाब से मुझे पूरे चीज़ों का लगभग थोड़ा बहुत कुछ, आप लोग जानते हैं हर कोई कि बहुत लोग एक दूसरे के अनुभव का एक्सपीरियंस होता है और कुछ लोगों का अपना खुद का एक्सपीरियंस होता है पाल पाल के। मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि सर आपने ऐसा बोला था बट ऐसा हुआ नहीं, ये फीस ऐसी नहीं, ये फीस उसके साथ नहीं रही लेकिन आपने बोला ऐसी हो रही। उसके बारे में कुछ कॉम्युनिकेशन होते हैं, कुछ कॉम्बिनेशन होता है, उसको जब तक पूरा कॉन्फिगरेशन मैच नहीं होता, वो चीज़ पूरी कम्प्लीट नहीं होती। एक्वेरियम की साइज़, हिडन प्लेस, फिश की साइज़, फिश फूड, सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। इनके बारे में Q&A बनाने वाला हूँ आप सभी के लिए, वो वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे तो आप लोगों के सभी जवाब मिलेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए अब चलते हैं अपन लोग नियॉन टेट्रास के ऊपर। सबसे पहले तो मैं बता दूँ, नियॉन टेट्रा फिश दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल फिशेस में से एक होती है और इसके साथ में ये फ्रेश वाटर की फिश होती है। अब मैं चलिए अपने नियॉन टेट्रास के टैंक पर लेके चलता हूँ आप लोगों को। ये आप लोग देख सकते हो मेरा नियॉन टेट्रा ऑफ फिश का टैंक है, और इसमें नियॉन टेट्रा बस नहीं है, इसमें मेरे पास जो नियॉन है ये ब्लू नियॉन है, आप लोग देख सकते हो, और ब्लू के साथ में अपन के पास में रेड आई टेट्रा, नियॉन टेट्रा और कुछ पिंक जेब्रास, ग्रीन जेब्रा भी पड़ी हुई हैं, आप लोग देख सकते हो। कुल मिला के एक नेचुरल टैंक है और इसमें जितनी भी छोटी छोटी फिशेस होती हैं टेट्रा ग्रुप की सारी मैंने इस पर एक ग्रुप बना के रखा हुआ है। बट मेरा जो पूरा वीडियो है ये पूरा फोकस है नियॉन टेट्रा के ऊपर। नियॉन टेट्रा फिश की कई सारी खासियतें हैं, कई सारी बातें जिसकी जैसे लोगों को सबसे पहले पसंद आती है, ये साइन करती है, चमकती है, आप लोग भी देख सकते हो इसे। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसे तरीके से, आप लोग देख सकते हो इसकी साइनिंग की वजह से इसका नाम नियॉन है, और जो टेट्रा फिशेस के साथ में रह लेती है, टेट्रा ग्रुप में सारी रहती है, इसकी वजह से टेट्रा फिश ही बोला जाता है, और नियॉन इसकी शाइनिंग और चमक की वजह से बोला जाता है। आप लोग देख सकते हो ये रेड और ब्लू साइन में है और इसके कई सारे कलर्स होते हैं, ब्लू के अलावा भी कई कलर में नियॉन टेट्रास आती हैं। और इस एक्वेरियम में भी एक्चुअल में ब्लू लाइट लगी हुई है तो थोड़ा सा इसकी चमक धीमी पड़ रही है। और ये देख सकते हैं जेब्रा फिश के साथ काफ़ी अच्छी रह रही है। और ये फ्रेश वाटर का टैंक और ये नॉर्मल मतलब मीठा पानी कोई भी हो आपका अच्छा हो, जिसमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया वगैरह हो, फिल्ट्रेशन सिस्टम जो हो वो आप लोग हैंग ऑन फिल्टर का यूज़ करें या तो स्पंज फिल्टर का यूज़ करेंगे वो ज़्यादा बेटर होगा इसके लिए। पावर फिल्टर का बिल्कुल भी सजेशन नहीं दूंगा क्योंकि छोटी मछली है और इसका फीड भी पावर फिल्टर खींच लेगा और फिर इसको स्विमिंग वगैरह भी करने में प्रॉब्लम होगी, जैसे कि मुझे वीडियो बनाने में प्रॉब्लम हो रही है इसकी लाइट की वजह से। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दूसरा टैंक लेके चलता हूँ। और इसकी कुछ ख़ास बातें हैं कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत फिशों में से एक है और इसकी जो फीडिंग होती है इसको माइक्रो पैलेट्स वगैरह खिलाने की कोशिश करें अगर अपन लोग, वो ज़्यादा बेहतर होगा। यदि अगर आप नॉर्मल पैलेट्स खिलाते हैं तो उस पर आप इसे जैसे छोटे छोटे उसके चूरा करके खिलाएंगे, जैसे ऑप्टिमम नॉर्मल वगैरह होता है उसे आपको खिलाना है, तो उसके अगर आप छोटे छोटे टुकड़े करके खिलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसे आप बिना प्लांटेड टैंक में भी रख सकते हैं बट उसका स्पेसिफिकेशन मैंने बताया, जैसे कि स्पंज फिल्टर होना चाहिए या तो हैंग ऑन फिल्टर होना चाहिए तब आप रख सकते हो। और इसे बड़ी मछलियों के साथ में, चाहे वो कोई भी बड़ी मछली हो उसके साथ में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। इसे छोटी मछली में गोल्ड ग्रुप वगैरह हो गई, ऑस्कर पैरट्स वगैरह हो गई, उनके साथ में भी मत रखे, भले वो छोटी साइज़ की क्यों ना हो।
इन्हें आप जिन भी फिश के साथ रखें वो टेट्रा ग्रुप की फिश होगी तो ज़्यादा अच्छा होगा, या तो छोटी साइज़ की एंजल वगैरह के साथ में भी एडजस्ट कर सकती है, और या तो इसी की साइज़ की लगभग टेल फाइल वगैरह हो, जो कि साइज, मेरी बात को आप लोग पूरी सुनना, साइज अगर वो इतनी ही बड़ी है, इतनी छोटी मतलब बेबी हो, तो ही रह सकते हैं, नहीं तो नहीं रखें। कोशिश करें कि इसे ऐसे जेब्रास डेनियोस वगैरह के साथ में आप रखें, काफ़ी अच्छे तरीके से काफ़ी लंबे समय तक ये फिश आपके साथ में रहेगी। जैसे कि मेरे ये फिशेज जो हैं एक एक साल कंप्लीट करके लगभग इनका 1.5 साल हो रहा है, और सबसे ख़ास बात ये है कि इसकी साइज़ जो होती है लगभग 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती, 1 से 1.5 इंच मैक्सिमम होती है, 1.5 इंच तक आप मान सकते हो। और दूसरी सबसे ख़ास बात इसकी है कि अगर आप इसे प्लांटेड टैंक में रखेंगे तो उसमें भी रहेगी, नॉर्मल टैंक में रखेंगे तो उसमें भी रहेगी। और तीसरी सबसे ख़ास बात यह है कि ये काफ़ी हार्ड फिशेज में भी एक है, मतलब कि ये काफ़ी मजबूत भी होती है। मैंने ये नोटिस किया है कि बीमार वगैरह नहीं होती जल्दी, और इसमें किसी भी तरह की कोई इतनी जल्दी फंगस वगैरह और कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं होती। अगर होती भी ठंड वगैरह में फंगस वगैरह की समस्या होती तो आप इसका हीटर वगैरह लगा सकते हो। इसका टेम्परेचर जो है वो 28 डिग्री आप लोग रखने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इसकी जो ब्रीडिंग का सिस्टम होता है वो एक्चुअल में ये जो फिश आती है अमेजोन का जंगल होता है वहाँ से आती है, वहाँ की नदियों से आती है, साउथ अमेरिका से और अमेजोन की नदी से आती है। वहाँ से काफ़ी एक्जॉटिक फिशेस आती हैं, डायरेक्ट आती है ये ब्राज़ील वगैरह से भी। आप लोग वीडियोस वगैरह में भी देखे होंगे कई सारे। और इसकी जब साइज होती है, जब ये आती है, मैं आप लोगों को कुछ फिशेस दिखाता हूँ जो मेरे पास अभी आई हुई हैं हाल ही में, खैर वो 1-2 महीने वो भी पुरानी हो गई, मैंने उन्हें टेट्रा बीट्स खिला खिला के थोड़ा सा बढ़िया कर दिया। ये इस टैंक में भी आप लोग देख सकते हो कि ये नियॉन टेट्रा का मेरा टैंक है, ये विदाउट प्लांटेड टैंक है, और ये थोड़ा सा न्यू टैंक है, वो थोड़ा सा ओल्ड टैंक था। इसमें आप लोग देख सकते हो कि ये सारी की सारी काफ़ी अच्छे तरीके से रह रही हैं, और स्पंज फिल्टर है, हल्का हल्का चल रहा है, हीटर भी लगा हुआ है, और कोई भी नेचर प्लांट्स भी नहीं है, और फिशेस काफ़ी अच्छे से रह रही हैं। इनका ब्रीडिंग करवाना इनका इतना इजी काम नहीं होता है एक्चुअल में, इसमें सारी चीज़ें मेंटेन करनी और सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ों को कॉन्फ़िगरेशन मिलाना होता है। नियॉन टेट्रा की ब्रीडिंग करवाना सबसे कठिन फिश की ब्रीडिंग करवाने में से एक होता है। ये फिश के बेबीज़ नहीं देती हैं, एग रिलीज़ करती हैं, बहुत छोटे छोटे इनके बारीक बारीक एग होते हैं। तो अगर आपके टैंक में कई तरह की कई सारी मछलियाँ हैं एक छोटे से ही टैंक में है, तो अगर उनसे बेबीज़ निकलेंगे भी तो दूसरी फिशेस या ये खुद भी अपने बेबीज़ और एक को खा लेंगे, और या तो दूसरी कोई ना कोई फिश खा लेगी। इसके लिए ये तो एक सेपरेट टैंक चाहिए जिसमें आप एक मेल फीमेल रखो, जैसे जेब्रास डेनियस की ब्रीडिंग होती है वैसे होगी। और पानी की जो पीएच लेवल होना चाहिए वो 5.0 से 6.0 तक का मेंटेन होना चाहिए, इससे ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। और उसके लिए ब्रीडिंग के लिए ज़रूर आपको 100% नेचुरल एक्वेरियम चाहिए, उसी पे ब्रीडिंग हो पाएगी। और इन्हीं सब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चीज़ों की वजह से इसकी ब्रीडिंग करवाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है हमारे इस देश में। इसके लिए बाहर से ही ये फिश डायरेक्ट इम्पोर्ट की जाती है हमारे इंडिया में। इनका खाना के लिए टेट्रा बीट्स वगैरह खिलाई काफ़ी बेहतरीन होता है। और बड़ी मछलियाँ के बारे में बताई दिया, उनके साथ में बिल्कुल भी ही नहीं रहेगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, और कोई कमी रह गई हो मेरी इस वीडियो में आप लोगों को बताने में या कुछ समझाने में तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोशिश करूँगा, उम्मीद करूँगा आप लोगों के लिए ऐसे ब्यूटीफुल वीडियोज़ में लाता रहूँ हमेशा ही। तो आज के लिए बस इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ चीज़ें आपके लिए खास उसे ज़रूर देखिएगा। बाय बाय।